जब आपके पास मौका भी हो और दस्तूर भी, तो एक घूमने वाला शख्स इस मौके को कभी जाने नहीं देगा। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। तुम कैसे हो सब? यार मैं अभी अभी एग्जाम से फ्री हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि कहीं टूर लगाया जाए, तो सोच रहा था कि लाहौर चलते हैं। तो भाई भी हैं उधर पास, तो उनके पास टाइम स्पेंड करते हैं, तो वीकेंड भी है। ऑफ द कैमरा तो ट्रैवल करते ही करते हैं, सब करते हैं, तो इस दफ़ा मैं सोच रहा था कि कैमरे के साथ ट्रैवल किया जाए, देखते हैं कैसा लगता है। तो चलते हैं भाई, हर कोई आज लाहौर ही आया है क्या? और मेरे जैसा फूडी बंदा सबसे पहले खाना नहीं खाएगा तो और क्या करेगा? ये लो यार, ये टिकट्स लेनी पड़ती है पहले इधर आके। 200 रुपये की टिकट है तो, और हर किसी के आईडी कार्ड पे एक मिलती है। आप लगाते हो तो यहाँ से सिक्योरिटी चेक हो के आप पैदल आओगे सारे, आपको पैदल चलना पड़ेगा। और ये गुरुद्वारा साहिब है, ये आपको पैदल वॉक। यार मैं आया हुआ था करतारपुर, और यार ये बिलीव नहीं करोगे आप, इन्होंने 9th मंथ में ही कंप्लीट किया है। इंडिया की तरफ से आते हैं वो $20 देते हैं, और जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं वो 200 रुपीज़ देंगे, फिर टिकट लेंगे, उसके बाद एंट्री होगी सी। फिर आपको एक पास मिलेगा ये वाला, इस पर यात्री लिखा होगा, और इससे फिर आपकी एंट्री होगी। इधर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पर देखें इतनी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, इनसे इंसेस्टर से रिलेटेड है सारा कुछ, करतारपुर में है सारा कुछ, और ये एक म्यूजियम है बहुत अच्छा। अजमेर शरीफ जाओ, अभी लाहौर पंजाब साहब जाइए, और आखिर में मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी को इंजॉय करना सीखें, जो गुजरने वाली चीज़ है उसने तो गुजर ही